सर आपका नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम अमित चचलानी है, मैं इंडस कंपनी से हूँ। इंडस कंपनी स्टार्टिंग में हुई थी, आप अभी स्टार्टिंग में कैसी थी, अभी का रिव्यू क्या फ़र्क? इंडस कंपनी स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, तब से लेकर के पहले हमने स्टार्टिंग करी थी कुछ लिमिटेड रेंज से, जो उसके बाद जैसे मार्केट में प्यू आया उसके बाद अपन ने रेंज बढ़ाई और उसके बाद और भी सेगमेंट्स ऐड करते गए, जैसे स्पोर्ट शूज़, हवाई, उसके बाद पीवीसी शूज़ वगैरह, और इसमें काफ़ी अपन ने रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। रवि जी सीईओ है, महेश जी मेंस फुटवेयर संभालते और दीपक जी लेडीज फुटवेयर संभालते, आप कौन? मैं गुजरात मार्केट संभालता हूँ, मैं कंप्लीट संभालता हूँ सर, मेरा माल बेचने का काम है। अच्छा, बेचने का काम है, समझो। अभी अभी और आगे डिपो क्या नवे, अभी तो रायपुर में डिपो होगा, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है डिपो और कहाँ कहाँ जगह खोलेगा? अपन ने अभी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 5 डिपो खोले हैं ऑल ओवर इंडिया में, मेन मेन स्टेट्स में, और सब में अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उम्मीद है रायपुर डिपो में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, और अपन का यही टारगेट रहता है कि अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, सप्लाई दें, तो उसके लिए क्या है ट्रांसपोर्टेशन और अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उससे क्या है पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है बाहर। अभी आगे फ्यूचर में और काका खुलेगा डिपो, प्लान कुछ है आगे फ्यूचर का? अभी रायपुर डिपो ओपनिंग के बाद अभी हैदराबाद में भी डिपो ओपनिंग की प्लानिंग है कंपनी की, और ये सब सक्सेस होने के बाद और भी खोलेंगे ऊपर वाले ने चाहा तो। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर आपका नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम दानिश अहमद है, मैं झारसुगड़ा उड़ीसा से हूँ। सर आप इंडस से कब से जुड़े हुए? हमें लगभग 4.5-5 साल हो गए, जब काफ़ी इस समय डिपो भी नहीं हुआ था और काम भी उड़ीसा में उतना ज़्यादा इनका गेन नहीं हुआ था, तब से हम जुड़े हुए हैं। अब इंडस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इंडस के बारे में यही कहना चाहेंगे कि इंडस एक ऐसी कंपनी जो मैं डिफरेंट जो देखता हूँ यही है कि वो डीलर के लिए वो सारे चीज़ कर रही है जो एक डीलर को चाहिए, जैसे कि आज भी रवि भैया ने बोला और अग्रवाल सर ने बोला, और टाइम टू टाइम जैसा जो समय का रिक्वायरमेंट है वो इंडस फुलफिल कर रही है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। स्पेशली अगर मैं अगर बात करूँ आज के डेट में जो एक डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस में इफेक्ट आ रहा है वो है ऑनलाइन का, और सबसे बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट ये है अभी तक इंडस को लेकर स्पेशली को ऑनलाइन पर अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे लिए एक बाज़ार में एक मोनोपोली और अपना माल को बिज़नेस को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है ये, और उम्मीद करते हैं कि कंपनी इस चीज़ को आगे भी बरकरार रखेगी। आज ऐसा रवि जी अग्रवाल सर ने बताया कि ऑफर है कि 250 कार्टून पर एक कूपन, 500 कार्टून पर एक कूपन, तो आपका कितना ऑर्डर होंगे? हमारा मे बी ऐसे मिनिमम तो 500 का है, अगर हो सकता है बढ़ जाए तो 3 कूपन का भी टारगेट लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी तो ऑर्डर बन रहा है। आइटम तो काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, तो हो सकता है ऑर्डर बढ़ जाए, 3 कूपन पर आ जाए। अभी जो इस नए कैटलॉग के जो 200 आर्टिकल लॉन्च है उसके बारे में क्या कहना है? नए कैटलॉग तो देखिए काफ़ी आइटम, कुछ पुराने भी हैं और बहुत सारे आइटम नए हैं, समय के हिसाब से डेवलप्ड हैं, अपग्रेडेड हैं, कुछ मटेरियल भी फाइन लगी हुई जो पहले शायद नहीं लगती थी, कुछ कमी जो महसूस होती थी वो अभी फुलफिल दिख रहा है। पर्टिकुलर मतलब डिज़ाइन वाइज अगर बात किया जाए, पर्टिकुलर मटेरियल का चुनाव का अगर बात किया जाए, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है समय के अनुसार, और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छी मतलब इसमें अपडेट हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह से कंपनी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रही है। थैंक यू। ओके, वेलकम। मोहम्मद फारूक फ्रॉम भारत फुटवेयर कटक उड़ीसा। आप इंडस से कितने साल से जुड़े हुए? ये 4-5 साल से जुड़े। इंडस के बारे में कुछ कहिए। इंडस अपना परिवार है, इस परिवार के बारे में क्या कह सकते हैं बताइए, बहुत ही अच्छा है। अब जब से हम लोग जुड़े हैं इसी के लिए मेहनत करते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं, इसी से ही आगे बढ़ना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसी से ही कमाना है, यही सोचते रहते हैं हमेशा, सोते हैं इंडस इंडस, जागते हैं इंडस इंडस, इंडस ही इंडस। इस जो डेपो खुला है रायपुर में, इससे आप फ्यूचर में क्या उम्मीद रखते हैं? इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ है, जो हम ऑर्डर देते हैं, मान लो दिल्ली से माल आने में यहाँ ऑर्डर दिए, माल बना, माल बनकर अब वो डिस्पैच होने में बनकर 10 दिन लगता है, यहाँ पहुँचने में 10 दिन, तो 20-25 दिन हमारे पास पहुँचते पहुँचते लग जाता था, जो हमारे 2 से 3 दिन में हमारे गोडाउन में आके पहुंच जाएगा और हम बाज़ार में जल्दी इसको डिस्पैच कर सकेंगे, सेल में ग्रोथ होगा और कंपनी का सेल बिल्कुल ग्रोथ होगा। जब पास हो ही गया है, 500 किलोमीटर है, रात को गाड़ी छोड़ें तो सुबह हमारे पास माल मिल जाए। श्री बालाजी एजेंसी रायगढ़। सर इंडस से आप कब से जुड़े हो? सर 3 साल हो गए। इंडस के बारे में कुछ कहिए। इंडस का प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये जो बनाते हैं वो बिकता है मेरे पास ही नहीं, जैसे इन्होंने मेरे को भेजा मेरे पास बिक गया, मैंने रिटेलर को भेजा रिटेलर पास बिक गया, मतलब एक
इनका हाथ बहुत हल्का है, जो भी ये बनाते हैं और जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं सारा माल मतलब बहुत अच्छे से बिकता है, स्पीड से बिकता है। मतलब जाम वगैरह तो सवाल ही नहीं है, मतलब बिकता भी स्पीड से है, एक ऐसा प्रोडक्ट है ये। सर आपका नाम और आपका? मेरा नाम होता है मोहम्मद नूर, भारत फुटवेयर कटक जी। आप इंडस के आपका कितने साल से जुड़े हुए? 5-6 साल हुआ। इंडस के बारे में कुछ बताइए। इंडस तो देखिए उड़ीसा में हम लोग उसके पीछे बहुत मेहनत किए हैं और इसके मतलब इसका अच्छा रिस्पांस भी आया है और भी अच्छा हो सकेगा जबकि उसको थोड़ा प्रोडक्ट में ध्यान दिया जाए और क्वालिटी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट जितना तो होता ही होता है और भी ज़्यादा इसको इम्प्रूवमेंट, ताकि ये मतलब हर कंपनियों से पीछे ना रह जाए, आगे ही बढ़ता जाए। और आज जो ऑफर है 250 कार्टून पर एक कूपन, आपका कितना ऑर्डर हुआ अभी तक? अभी तो मेरा ऑर्डर चला हुआ है, फिर भी 2000 तक। फिर एक्टिवा आप ही लेके जाऊँ? देखते हैं क्या होता है, और भी तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। सर आप कहाँ से हो? खरियार रोड उड़ीसा। आपका नाम? संदीप सिंह गांधी। अब इंडस परिवार से आप कब से जुड़े हो? 2017। इंडस कंपनी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका। जब ये रायपुर में छत्तीसगढ़ में जो आज डिपो की ओपनिंग हुई, डिपो से फ्यूचर में आप क्या उम्मीद करें? सप्लाई जल्दी मिलेगी, फास्ट मिलेगी, आइटम्स तुरंत पहुँचेंगे हमारे पास, रेंज पूरी मिलेगी, जो चाहिए फ्रीक्वेंट सप्लाई मिलेगी हमको, वो सबसे मतलब बेस्ट थी। अभी जो वैरायटी है जी, जितनी वैरायटी है इससे पहले जितनी डेपो नहीं था, इतनी वैरायटी थी कि नहीं? वैरायटी सारी थी लेकिन कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब आने में टाइम लगता था, नई चीज़ लॉन्च हो रही है लेकिन समय से नहीं पहुँच रही थी। अब जो है सारी चीज़ एक साथ मिलेंगी हमको। आज आपने कितने कार्टून बुक कराए? अभी कराएंगे। मिनिमम कितने कराएंगे? सर ने कराया नहीं है लेकिन सर के कराएंगे, सर कराएंगे और वो लेके जाएंगे। जो 500 के ऊपर कार्टून बुक होंगे जरूर। मैं भवानीपटना उड़ीसा से और नाम है नरेश माखिया। इंडस फैमिली के साथ आप कब से जुड़े हो? इंडस कंपनी के साथ हम लोग जब से चालू हुई है तब से जुड़े हुए हैं। तकरीबन कितने साल हो गए? ये हो गए करीबन 22 साल। इंडस के बारे में कुछ बोलिए आप। इंडस एक ऐसी ब्रांड है जो मतलब जैसे हम लोग कंपेयरिंग जैसे वीकेसी है, पैरागन है, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी ब्रांड है और उसके रेट बहुत ही सही हैं। जो हम लोग जो इकोनॉमिक रेंज जो जनरल लोगों के लिए चाहिए वो आइटम वो अच्छी प्रोवाइड करते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग जो है बाकियों से बहुत आगे है और आगे ये बहुत ग्रो करेगी और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रायपुर में जो डिपो ओपनिंग होंगे इससे कस्टमर को डीलर को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें ये होगा कि सप्लाई बहुत फास्ट होगी। अगर पहले क्या होता था, वो होता था कि जैसे अपने को कुछ माल चाहिए तो फिर वो सीधा राजस्थान से आता था तो उसमें करीबन 10-15 दिन लग जाते थे। अभी क्या है, विद इन 1 or 2 डेज में आ जाएगा, तो इसमें सप्लाई फास्ट हो जाएगी, रेंज अपने को पूरी मिलेगी और सेकेंड ये है कि आगे चल के मतलब सप्लाई फास्ट होगी तो सेल बढ़ेगी, तो इसके चलते मतलब इंडस की आगे सेल बढ़नी है। तो सप्लाई मेन रीज़न रहता है। अगर आप कहीं भी अगर मार्केट में जा रहे हो, अगर आपने कस्टमर को सही सप्लाई की तो आपका माल बिकना ही है। इंडस को आप 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 ही दूंगा। सर आपका नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम है किशोर कुकरेजा, मैं रायगढ़ उड़ीसा से हूँ। आप इंडस से कब से जुड़े हो? हम करीब करीब 12-15 साल से हम लोग इसका माल बेच ही रहे हैं अभी तक। अभी जो रायपुर में ये डेपो खुला है इससे फ्यूचर में आपका क्या उम्मीद रहेगी? इससे हमारी उम्मीद रहेगी कि हमें माल बहुत अच्छी से मिलेगा, जो रेंज हमें चाहते थे तुरंत सप्लाई मिलनी चाहिए यहाँ से। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा करके कौन सा आइटम चलता है सर? सर लेडीज वगैरह सब माल तो सभी बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इनका पैटर्न सब है अच्छे और सब बिक रहा है माल। थैंक यू सर। मैं कमल उड़ीसा से भवानीपटना। इंडस फैमिली के साथ आप कब से जुड़े हुए? 2008 से। इंडस के बारे में कुछ बोलिए। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी रेंज है, बहुत अच्छा पिक ले रही है ये, और डिपो होने के कारण क्या है अभी कस्टमर को सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों पहले होता था खैरताल से मंगाना है, अब क्या है लोकल में छत्तीसगढ़ उड़ीसा में छत्तीसगढ़ का डिपो हो गया तो यहाँ से अब क्या सर्विस अच्छी मिलेगी तो सेल भी अच्छी आ जाएगी। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या चलता है सर? इसमें चलता है सबसे ज़्यादा प्यू, जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों।
और रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में? प्राइसिंग इनकी जो है मेरे ख्याल से इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे एमआरपी बहुत कम है, एमआरपी जो है उसी की वजह से बहुत अच्छा माल बिकता है इनका। थैंक यू सर। जी मैं हूँ संजय भाटिया फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। सर आप इंडस से कब से जुड़े हुए? सर हम इंडस से जुड़े हैं करीब करीब 10 साल से। अभी जो नया कैटलॉग आया है, नया रेट आया है, उसके बारे में कुछ? रेट्स तो काफ़ी सारे अच्छे हैं इनके, बहुत रीजनेबल है, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और इनकी एक खासियत है कि इन टाइम टू टाइम इनमें जो वैरायटीज़ है वो चेंज होती है, मार्केट को देख के न्यू डिज़ाइंस डेवलप होती है, उससे कस्टमर इधर उधर भटकता नहीं है। थैंक यू। बड़े सर आप कैसे? फर्स्ट क्लास। इंडस कंपनी के बारे में कुछ बताइए। इंडस, अब इंडस के बारे में क्या बताऊं भाई, इंडस इंडस है। आज 11 साल हो गया मैं उससे जुड़ा हूं, 2010 के एंड में, और शुरुआत हुई थी केवल 11 कार्टून से। अब 1100 के कम कोई ऑर्डर बनता ही नहीं। अभी जो वैरायटी है भी अभी अपने रायपुर में जो वैरायटी मेंटेन करे, तो इसमें जो नए प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब लेटेस्ट जो आज मार्केट की डिमांड है, तो उस डिमांड को मद्देनज़र रख के इन्होंने पूरा ये डेवलप किया है, बढ़िया डेवलप है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेंगे आपके इंडस के साथ? हमारी तो क्या इंडस के लिए खुली किताब है, इंडस के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, जो भी है खुला है, मतलब उसको प्लान करके कुछ नहीं है, मन से है और हर महीने पिछले महीने से सुधार है, हर महीने जो है काम बढ़ता बढ़ता ही जा रहा है। और वो जो बोलते हैं ना कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बस वही हिसाब है कि एक टीम वर्क है और इसमें कंपनी के सब बंदे, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लाई, वैरायटी, ये सब कुल मिला के जो है बिरयानी अच्छी बनने वाली है, बस वही है कि बढ़िया है। शुक्रिया।